बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फैज़ान अहमद। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपकी जान, माल, औलाद और आप खानों में बरकत अदा फरमाए। मैं आपके साथ आज जंगली पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मैं आपका टाइम ज़ाया करे बगैर अपनी रेसिपी का आगाज़ करता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने कुकिंग पॉट लिया है, जिसके अंदर एक कप ऑयल का डाला है, कुकिंग ऑयल एक कप, दो अदद प्याज, लाइट ब्राउन करेंगे इसको। अब इसमें मतलब प्याज लाल हो गए, अब इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं। इसको हम ढक देंगे, दो मिनट तक इसको हम ढकेंगे। इसको इसमें चिकन है गोश्त आधा किलो, और ये एक पाव बीफ है गोश्त स्मॉल क्यूब बॉईल करा हुआ है। ये मैंने आपने इसको अच्छी तरह थोड़ा हिलाना है। चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ रखनी है। इसमें आप मटन का गोश्त डाल सकते हैं और झींगा डाल सकते हैं इसमें आप जंगली पुलाव में। गोश्त थोड़ा सा चिकन का जो है वो गलने का इंतज़ार कर लेंगे। थोड़ा सा बीफ गला हुआ है हमारा। अब इसमें हम गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, इसमें हम 1.5 चम्मच लाल पिसी मिर्च को ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट टू टेस्ट आएगा, टू टेस्ट मैंने ऐड करा है, अपने हिसाब से रख लीजिएगा आप। नमक नमक मिर्च डाल दी है हमने, थोड़ा सा हम इसको हिला लेंगे। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 गिलास चावलों का बैच। इसमें मैं पानी, 1 किलो चावल, 1 किलो चावल का बैच, इसमें 7 गिलास पानी डालेंगे हम। ये मेजरमेंट लाजमी ज़रूरी होता है इसके लिए, पुलाव के लिए। अब इसमें हम मिक्स गरम मसाला, इसमें ज़ीरा, दालचीनी, बादियानपुर, लौंग, ये तकरीबन 2 चम्मच मिक्स कर दूंगा मैं, 2 चम्मच ऐड करें मैंने इसमें। अब मैं इसमें तकरीबन 5-6 अदद आलू बुखारे ऐड कर रहा हूँ। तकरीबन 10 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हिला लें इसको। सौ ग्राम मटर निकले हुए, मटर के दाने 100 ग्राम, 1 नींबू के स्लाइस, इसको आप हिला लें। फिर इसमें हम तकरीबन 1/2 टीस्पून चीनी का ऐड कर देंगे। आपने पानी बॉईल होने का वेट करना है, पानी बॉईल हो रहा है देखें। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, ये हमने 1 किलो चावल ऐड कर दिया इसमें। आज हम बना रहे हैं जंगली पुलाव, थोड़े से इसको ढक देंगे। चावल ऑलमोस्ट बस दम बाकी रह गया इसमें, बाकी चीज़ें जो हैं ऐड करने वाली हूँ इसमें ऐड कर दूँ मैं। इसमें बॉयल छोले ऐड कर दिए तकरीबन 200 ग्राम, दम पे कोई आप तवा वगैरह नीचे रख लिया करें। अब मैं इसको दम पे लगा रहा हूँ तकरीबन 4 मिनट के लिए। दम पे चावल लग दिए, अब हम इसका दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। तरफ मैंने एक कुकिंग पॉट लिया है, इसमें मक्खन ऐड कर रहा हूँ।
एस डू कार्ड मक्खन ले लें आप, कितना आप बैच बनाएंगे। हल्की आग पे अपने इसको मेल्ट करना है ताकि जले ना मक्खन। मक्खन मेल्ट हो गया है, इसमें तकरीबन वन एंड हाफ टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें, चीनी थोड़ा सा। हम इसको चीनी को मेल्ट करवाएंगे। हमने थोड़ा सा इसको सौते करना है ड्राई फ्रूट को। ड्राई फ्रूट में है चिलगोज़ा, पिस्ता, बादाम और काजू, और सब्ज़ी में है गाजर, शिमला मिर्ची और गोभी। अब इसमें मैं मिक्स ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगा। इसको सौते कर लें। अब इसमें आपने सब्ज़ी एज रिक्वायर्ड ले लीजिएगा, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा कर लीजिएगा, अपने हिसाब से रख रहा हूँ। 100 ग्राम मैंने सब चीज़ें ली है। ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गई, कितना खूबसूरत कलर आया है। हमारे तकरीबन चावल भी रेडी हो गए होंगे, अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। इसका चावल चेक करते हैं। माशाल्लाह पक चुके हैं ये चावल। इसमें हम अब हरा प्याज ऐड कर देंगे। जंगली पुलाव मैं जो मैंने वेजी और ड्राई फ्रूट सोते किए थे वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। चिलगोज़ा, काजू, बादाम, पिस्ता ड्राई फ्रूट में ये ऐड करें, और सब्ज़ी में गाजर, गोभी और शिमला मिर्च। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जंगली पुलाव रेडी हो गया, अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जंगली पुलाव रेडी हो गया है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।